हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञानप्रिय यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से गवर्नमेंट जॉब की अपडेट निकल गई है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि किस तरह से अप्लाई करना है, क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी रेंज है, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे और डाउनलोड करते हैं नोटिस को और देखते हैं कि क्या क्या डिटेल दिए गए हैं, सारे स्टेप में देखेंगे। ये देखिए, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ स्टेट की तरफ से ये निकाली गई है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जॉब है। यहाँ पे मैं सबसे पहले होम पे जाता हूँ। होम पे जाने के बाद बता देता हूँ, देखिए लेफ्ट साइड पे एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला वाला जो दिया गया है, देखिए इंजीनियरिंग वाला, इसी पे क्लिक करने से PDF ये वाला सामने आ जाएगा डाउनलोड होके, और यहाँ पे पूरा डिटेल में मिल जाएगा। देखिए कब प्रकाशित हुआ है, डेट वगैरह, ऑनलाइन आवेदन भरने का जो डेट दिया गया है, देखिए 10/2/2020 दिया गया है, जो अंतिम तिथि दिया गया है, सॉरी अंतिम तिथि नहीं है, ये स्टार्ट हो जाएगा और इसका अंतिम तिथि जो दिया गया है 10/3/2020 रात का 12 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी में रूल रेगुलेशन ये बहुत सारे दिए गए हैं कि किस तरह से इसको पेमेंट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सबका परीक्षा शुल्क वगैरह किस तरह से भरा जाएगा, वो सबका डिटेल दिया गया है। और बाकी हम लोग देखते हैं पोस्ट वगैरह किस तरह से है, क्या क्या है। पहला है जल संसाधन विभाग, ये विभाग का नाम है, पोस्ट का नाम हो जाता है सहायक अभियंता सिविल, यानी कि सिविल इंजीनियर के लिए ये सहायक अभियंता, सिविल के लिए ये भी, लोक निर्माण विभाग के लिए, ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के लिए, पूरा विभाग के साथ में पोस्ट दिए गए हैं 6 तरह के। अनुसूचित, यहाँ पे देखिए अनारक्षित के लिए 19 वैकेंसी, फिर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुल रिक्तियों का वर्ग संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए आरक्षण है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे कुल रिक्तियों में छत्तीसगढ़ के निवासी स्थानीय निवासी निःशक्त जनों के लिए आरक्षण भी यहाँ पे दिया गया है और कुल रिक्ति यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुल रिक्त के साथ साथ छत्तीसगढ़ वाले महिला जितने हैं वो सब के लिए भी अलग से रिजर्व किया गया है और यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो निकल के आती है यहाँ पे मिल जाएगा। सैलरी की बात करते हैं तो लेवल 12 के आधार से जो रहेगा 15,600 से लेकर 39,100 प्लस ग्रेड पे 5,400 दिया गया है। टोटल जो रिक्त संख्या हो जाएगी वैकेंसी 89 वैकेंसी निकल के आती है इसमें, और इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह दिया गया है ये सब हम लोग देखते हैं आगे चल के। पद का विवरण, शैक्षणिक अर्हता क्या है, देखिए सहायक अभियंता के लिए अभिवर्ती को भारत के किसी भी केंद्र या राज्य विधान प्रमंडल के अधिनियम द्वारा निर्गत समाविष्ट विश्वविद्यालय में से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुरोध आयोग 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय मानी गई किसी भी शैक्षणिक संस्था से संबंधित सिविल, मैकेनिकल, विद्युत, ये सबसे डिग्री कम्प्लीट होना चाहिए। और इसके बाद चयन अभ्यर्थी की नियुक्ति 2 वर्ष की परिविधि पर की जाएगी, 2 वर्ष की परिविधि की पर ये की जाएगी, और क्वालिफिकेशन जो रहेगा वो डिग्री रहेगा, सिविल, मैकेनिकल या विद्युत वाले में कंप्लीट होना चाहिए। एज की बात करते हैं तो एज जो दिया गया है 1/1/2020 के आधार से 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक ना हो, यानी कि 21 और 30 के बीच में ही होना चाहिए अगर आप लोग 1/1/2020 से कैलकुलेट करते हैं तो। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए जो शुल्क लगेगा वो किस तरह से है, देखिए छत्तीसगढ़ के मूल स्थानीय निवासी जो छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग गैर क्रिमिनलियर की श्रेणी में आते हैं एवं निःशक्तता के ग्रस्त व्यक्तियों के लिए ₹300 लगेगा और तथा से सभी श्रेणी के लिए एवं छत्तीसगढ़ से बाहर निवासी के लिए भी वो ₹400 इसका एप्लीकेशन फी लगेगा। ऐसा बहुत सारे और भी रूल रेगुलेशन दिए गए हैं जो वन बाय वन, लाइन बाय लाइन मैं नहीं बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को बता रहा हूँ। 10 नंबर में दिया गया है चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी, इसके लिए विज्ञापन पद के चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा 75 हेतु बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाते हैं। तो मतलब दिया है कि जितने भी क्वालिफिकेशन है अगर न्यूनतम रहेगा, जो भी यहाँ पे मांगा गया है उससे अगर न्यूनतम रहेगा तो वो सब के लिए वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे, वो सबका रूल रेगुलेशन दिया गया है।
किस तरह से रहेगा द्वितीय चरण, प्रथम चरण देखिए किस तरह से दिया गया है, प्रसूति बहु विकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रश्न पत्र में देखिए वन में जो दिया गया है सामान्य अध्ययन, उसके बाद यहाँ पे प्रश्नों की संख्या होगी 150, उसके बाद कितने घंटे की रहेगी वह 2.30 दिया गया है, 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा, अंक 300 इसका टोटल अंक हो जाता है। उसके बाद दूसरा वाला जो होगा इसमें से सिविल यांत्रिक और विद्युत जो ट्रेड रहेगा उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें भी 150 क्वेश्चन रहेंगे और ये भी 230 घंटे का रहेगा, आवर्स का रहेगा, उसके बाद यहाँ पे 300 मार्क इसका भी रहेगा। इसी के आधार से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो पहला जो दिया गया है वो सामान्य अध्ययन के रहेगा, उसके बाद रिलेटेड ट्रेड के आधार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें सिलेक्शन किस तरह से होगा क्वालिफाइंग के लिए, यहाँ पे देखिए दिया गया है परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र में कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के मामले में अर्हकारी के अंक केवल 30% होंगे, बाकी यहाँ पे और यहाँ पे जो कैटेगरी यहाँ पे दिखाया गया है वो सबके लिए 30% दिया गया है। नीचे में यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है पेपर वन के लिए किस तरह से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉपिक भी दे दिया गया है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूरा सिलेबस मैकेनिकल वाला सबके लिए भी, सिविल वाला सबके लिए, विद्युत वाला सबके लिए भी, सबके लिए दे दिया गया है। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बड़ी वैकेंसी निकल के आई जो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से निकल के आई है, ऐसा वैकेंसी थोड़ा कम है लेकिन निकल के आ गई है। आप लोग अगर इसमें एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर लें और वीडियो को जितना हो सके लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह से नोटिफिकेशन आप लोगों को डेली मिल जाया करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें। Thank you.